हेलो दोस्तों, तो आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, यदि आपको फोटोग्राफी करने का शौक है और आप फोटो एडिट करते हैं, मान लीजिए आप किसी भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मान लीजिए फेसबुक या फिर अपने इंस्टाग्राम आईडी वगैरह पर अपनी अच्छी अच्छी पिक्स एडिट करके अपलोड करते हैं, तो फ्रेंड्स क्या होता है, आपको यकीनन अपना फोटो का बैकग्राउंड जो होता है उसे चेंज करने की आवश्यकता भी पड़ती होगी। फ्रेंड्स आप अपने फोटो को एडिट करते होगे, अच्छा सा फोटो बनाते होगे, तब जाकर के अपलोड करते होगे। और या फिर फ्रेंड्स आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब क्रिएटर हैं, यानी कि यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं, या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज दोस्तों अभी से इस वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप अपनी वीडियो का बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे बंदे ऐसे हैं जो काफी मेहनत करने के बाद भी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली क्या है, उन्हें पता नहीं होता किस तरीके से वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव किया जाता है। देखिए क्या है, आपके पास यदि कोई फोटो है, आपने फोटो क्लिक किया, ठीक है, आप फोटो का बैकग्राउंड तो आसानी से रिमूव कर सकते हैं और बैकग्राउंड चेंज भी आसानी से कर सकते हैं। उसमें क्या है फ्रेंड्स, वो तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्या, आप गूगल में जाकर के और रिमूव बैकग्राउंड बीजी लिख करके उसमें आप अपने फोटो का जो है बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, फोटो का बैकग्राउंड हटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स वहां पर वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता है, वहां पर सिर्फ वीडियो का बैकग्राउंड लिखा तो आता है रिमूव करने के लिए, लेकिन वो बहुत ही काफी छोटी क्लिप का बैकग्राउंड रिमूव कर पाता है, वरना बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता है। अब मान लीजिएगा आप यूट्यूब के लिए ही वीडियो क्रिएट कर रहे हैं और आप 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने जहाँ पर वीडियो शूट किया हुआ है, आपके पास कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, आपने वीडियो शूट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास ये बैकग्राउंड अच्छा है जो कि मैंने किसी साइट से डाउनलोड किया है, यानी कि आप गूगल से किसी भी साइट से कोई बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेते हैं अच्छा से, जो कि आपको पसंद आता है, और आपके मन में ये रहता है कि भाई मैंने जो अपना वीडियो रिकॉर्ड किया है कि काश ये जो बैकग्राउंड है मेरे पास, ये मेरी वीडियो में लग जाए, यानी कि जहां पर मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड किया है वहां पर से वो बैकग्राउंड हट जाए और ये जो मेरे पास अभी इमेज पड़ा हुआ है या फिर जो बैकग्राउंड पड़ा हुआ है या फिर वीडियो है बैकग्राउंड के लिए वो लग जाए, तो उसे आप बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही आसान है। बस आपको इसको समझना है कि आप किस तरीके से अपनी वीडियो का बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो फ्रेंड उसके लिए आपको वीडियो में बिना सिर्फ अंत तक देखना, जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए फ्रेंड अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता दूं, मान लीजिएगा आप अपनी वीडियो को जब भी एडिट करेंगे, अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान रखना कि आप वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे ना, अभी आपकी वीडियो के पीछे एक कलर तो रहना ही रहना है। कोई मान लीजिएगा अभी आपने कहीं भी किसी पैलेस में वीडियो बनाया और आप उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो या तो ब्लैक कलर रह जाएगा आपकी वीडियो के पीछे या फिर ग्रीन कलर, कोई भी एक कलर तो रहना ही रहना है जब तक कि आप अपनी पसंद का और कोई बैकग्राउंड नहीं लगाओगे, ठीक है, तो बिल्कुल रिमूव तो होता ही नहीं है वो। हाँ इतना है कि मान लीजिएगा अभी आपने वीडियो बनाया किसी अदर बैकग्राउंड के आगे और आपको वहां पर दूसरा लगाना है, वो आसानी से लगा सकते हैं। आप कैसे लगाएंगे आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ध्यान देना फ्रेंड्स, यदि आप पीसी से वीडियो को एडिट करें तब भी, या फिर आप मोबाइल से एडिट करें वीडियो को तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए पीसी से भी करने के लिए पावर डायरेक्टर भी है और यहाँ पर फिल्मोरा भी है, काफी सारे वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर है, और मोबाइल में भी आपको काफी सारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन मिल जाते हैं जो कि वीडियो को एडिट करते हैं, मान लीजिए काइनमास्टर हुआ, पावर डायरेक्टर और काफी सारी है। अब इनके अंदर फ्रेंड्स एक ऑप्शन आपको मिलता है क्रोमा की वाला, ठीक है, आपको करना क्या है, देखिए वीडियो का बैकग्राउंड आप किस तरीके चेंज कर सकते हैं यहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ना ग्रीन कलर का ये पर्दा आपको दिख पा रहा होगा, तो आपको इस तरह का एक क्रोमा की आता है, ये आपको ये ग्रीन कलर का पर्दा ले लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। आप जब ये पर्दा ले लोगे तो उस पर्दे को आपको फिक्स कहीं पर दीवार पर लगा देना है, ठीक है, फिक्स दीवार पर लगाने के बाद आप ये तो सनलाइट यानी डे में वीडियो रिकॉर्ड करें उसके सामने खड़े होकर, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि आप रात के समय में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वहां पर, तो आपकी उस पर लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो शैडो होती है परछाई जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, आपकी ये नहीं होनी चाहिए इस पर्दे के ऊपर, ठीक है, लाइट इतने अच्छी तरीके से लगा लें। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर रात में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी लाइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, इसलिए मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं मेरी शैडो यहाँ पर नजर आ रही होगी, ठीक है, तो आपको लाइटिंग अच्छे से रखनी है, आपकी शैडो नहीं आनी चाहिए। तो आपको इस पर्दे के आगे वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको इस तरह का पर्दा लेना है, ठीक है, या आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं, आप इस हरे पर्दे यानी क्रोमा की को मार्केट से परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और यदि आपको कहीं पर नहीं मिल रहा है तो फ्रेंड्स मैं आपको एक आसान तरीका बता देता हूँ, आप जो मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, मेरी वीडियो में जो वीडियो का टाइटल है आपको उस पर क्लिक करना है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके इस पर्दे को आसानी से खरीद सकते हैं फ्रेंड्स, या फ्लिपकार्ट के द्वारा आपके एड्रेस पर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं,
जब आप इस पर्दे के सामने खड़े होकर के अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छी खासी आपको बता देना, जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करना, अच्छी तरीके से बोलना है, समझाना, जो भी कुछ है आपको अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद जब आप इसे एडिट करें किसी भी सॉफ्टवेयर में, तब फ्रेंड्स आपको वहां पर क्रोमा की का यूज करना होता है। सॉफ्टवेयर के अंदर क्रोमा की का ऑप्शन मिलता है, जब आप उसका यूज करेंगे तो यूज करते समय आपको सबसे पहले इमेज लेना है, वो वाला जो भी आपको अपनी इस वीडियो के पीछे बैकग्राउंड लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। वो बैकग्राउंड आ रहा है तो किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, या फिर आपको एक मैं जेन्युइन तरीका बताऊं फ्रेंड्स, आपको कोई लोकेशन पसंद आती है ना तो आप वहां का कोई फोटो क्लिक करके ले आना, और उस फोटो क्लिक करने के बाद अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में सेट कर लेना। फिर लेयर में आपको अपना वीडियो रखना है, और वीडियो रखने के बाद आपको क्रोमा की का जैसे ही यूज करेंगे तो फ्रेंड्स आपकी वीडियो का जो बैकग्राउंड ये हरा कलर आप देख पा रहे हैं ना, ये तो रिमूव हो जाएगा, और आपने जो इमेज में फोटो वो लगा रखा है ना, वो आपकी वीडियो का बैकग्राउंड बन जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, आपको बैकग्राउंड चेंज नहीं करना आता है तो उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो वीडियो भी दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं कि आप अपने वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कैसे करेंगे। तो उसमें मैंने क्रोमा की का यूज करना बताया कि आप किस तरीके से सॉफ्टवेयर में क्रोमा की का यूज करके वीडियो का बैकग्राउंड चेंज करेंगे, आप लोग देख लेना फ्रेंड्स, इसको लेकर के कंप्लीट वीडियो बना दिया है। तो फ्रेंड मुझे वीडियो में इतनी जानकारी देनी थी, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।